वाले वीडियो में अपन लोग देखने वाले क्या ट्रेंड लाइंस के बारे में। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइंस असल में होता क्या है, ये वो लाइनें हैं जो ट्रेंड को शो करती है, जो अपन को ट्रेंड दिखाती है कि स्टॉक किस ट्रेंड में है। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंस क्या होती है ट्रेंड लाइन की। देखो ट्रेंड लाइन बनाना अभी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि होता क्या है, तो उस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस देखो आप, है ना, किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन होता है तो इस तरीके से ये अपन को दिखाती है कि ये अप ट्रेंड में है, या फिर नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो ये दिखाती है अपन को कि ये डाउन ट्रेंड में है। तो ये होता है स्टॉक का डायरेक्शन, जो कि अपन को पता चलता है ट्रेंड लाइन से, है ना। तो इट शोज दिस ट्रेंड, ठीक है, एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और दस गिव्स प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ट्रेंड लाइन का भी सेम तरीके से ब्रेकआउट होता है जैसे वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होता है। तो ट्रेंड लाइन जो होती है एक्चुअली में ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे ही काम करती है ना। तो इसको अपन अभी बनाकर देखने वाले हैं, सो अपन इसको चलते हैं बनाकर देखने के लिए आगे। ऑलराइट, तो अपन आ गए ये वाले चार्ट पे। मैं एक्चुअली में पिछले वाली वीडियो की लाइन हटा देता हूँ, से अपन ने देखी थी ना पिछली बार, तो अपन ने देखा था कि यह ये स्टॉक था अप ट्रेंड में। ऑलराइट, तो यहाँ पर अप ट्रेंड को अगर आपको बनाना है तो ये सी ट्रेंड लाइन पर जाएंगे आप, एंड दोनों पॉइंट्स को कवर करते हुए आपको ज्वाइन करना है ट्रेंड। ओके, सी हर पॉइंट हर बार कवर नहीं हो पाता है ना, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। आप एक्चुअली में चाहो तो इसको इधर पर कनेक्ट कर सकते हो। ये देखो एक्चुअली 5 मिनट का चार्ट है ना, इसलिए सी अप ट्रेंड में हुआ ये वाला चार्ट। तो ये हुई एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, देखो जैसे अपन ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट किया था, कैसे लोअर वाले सबसे नीचे वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, नीचे वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करना है अपन को, वही चीज़ यहाँ भी करनी है ना। तो ट्राई करो विक्स नीचे आए, विक्स के नीचे आए, एंड अगर दोनों पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होता ना, तो अपन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ऐसे भी ले सकते हैं क्या, बॉडी से निकलता हुआ, है ना। तो बनाने में कन्फ्यूजन नहीं होना है, है ना। सी बॉडी को आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो बॉडीज कट रही हैं, तो आपको ट्रेंड लाइन बनाने में सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट ये रखना है, क्या मेन ध्यान ये रखना है कि बॉडीज़ जो कटे कम से कम कटे, है ना। तो मैं यहाँ पर नहीं बना सकता, ऑलराइट, बट ये जो है एक प्रॉफिटेबल सही ट्रेंड लाइन है। एंड सी ये जो ट्रेंड लाइन है एक किसके जैसे काम कर रही है, सपोर्ट के जैसे। ठीक है, स्टॉक जब भी यहाँ पर आता है सी सपोर्ट लेता है वो, जब भी स्टॉक आता है यहाँ पर सपोर्ट लेता है। तो फ्यूचर में भी ये ऐसा ही करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ऑलराइट, देखो सी, तो अपन ने देखा क्या, ट्रेंड लाइन अपन को दिखाती है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज ट्रेंड में है। सेम चीज़ आप यहाँ भी बना सकते हो, इसी ये डाउन ट्रेंड में ना, तो यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड बना सकते हो। ऑलराइट, सी ये वाला पॉइंट एंड लोअर लोस को मैं कर देता हूँ, दो लोअर लोस को कनेक्ट, तो ये बन गया। ऑलराइट, ये देखो ये डाउन ट्रेंड में है, एंड सेम चीज़ अपने साइडवेज ट्रेंड में बनाई ली थी, अप ट्रेंड में यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप फिर से चाहो तो बना सकते हो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए। ऑलराइट, मैं यहाँ पे एक बार बना के भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। ठीक, तो एक्चुअली में यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आपको ये और अच्छे से दिखाई देगा। ऑलराइट, तो दोस्तों अपन ने यहाँ पर देखा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन क्या होती है, सिंपल लाइंस हैं जो अपन को ट्रेंड दिखा रही है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये अपन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रही है, है ना। एंड सी इसका ब्रेकआउट हुआ, जैसे ये ट्रेंड लाइन के बाहर निकला तो अपन यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसीलिए ट्रेंड लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड सी ट्रेंड लाइन को एग्जिट करके थोड़ा साइडवेज ट्रेंड में रही, एंड फिर इसमें डाउन ट्रेंड में हो गया, पहले अप ट्रेंड में, साइडवेज डाउन, सी अप ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड डाउन ट्रेंड, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसका इधर गई। ठीक है, ये वाली ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ इधर गई, सो ट्रेंड लाइन का भी सेम तरीके से ब्रेकआउट होता है। ऑलराइट, तो अब अपन चलेंगे आगे। अपन ने देख लिया ट्रेंड को बनाने का, अब अपन देखने वाले ट्रेंड इज योर फ्रेंड। भैया ट्रेंड आपका एकमात्र मित्र होने वाला है, क्यों ना इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल लें। हाँ, देखो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है, थोड़े थोड़े चुटकुले मारने चाहिए यार बीच बीच में। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अच्छा ट्रेंड आपका दोस्त क्यों है। देखो ट्रेंड इज योर फ्रेंड क्योंकि आप चाहोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लो, है ना, बेनिफिट लो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि मान लो नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, है ना, ये बह रही है क्या नदी, ब्लू कलर से बहती है भैया नदी, लाल से नहीं बहती है, खून की नदी थोड़ी है, ब्लू कलर से बहती है नदी। ठीक होते देखो इस डायरेक्शन में बह रहा है वाटर, वाटर 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 वाटर। मान लो आप इधर पर बैठे हुए हो एंड लाल कलर की नाव है आपकी, सो या नाव है ये, और यह नाव और ऐसा है मम पानी, आप बैठे हुए हो इसके ऊपर। ठीक है, तो भैया सपोज करो आप बोट को चला रहे हो इस डायरेक्शन में,
तो क्या आप समझदार कहलाओगे? बिल्कुल भी नहीं, कतई समझदार नहीं कहलाओगे। आपको कितनी मेहनत करनी होगी, आप इस डायरेक्शन में चलो, इस डायरेक्शन को छोड़ करके इस डायरेक्शन में चलो, अरे बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, जहाँ जाओगे लोग कहेंगे चल चल आगे निकल, बहुत आगे जाओगे। हाँ नहीं तो देखो, तो हमेशा नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में अपन स्विम करते हैं, है ना, उसी डायरेक्शन में अपन स्विमिंग करते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है ना, नदी हमेशा जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में स्विमिंग करते हैं। आपने फिजिक्स का क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो रहे हो तो बोट अपन को उसी डायरेक्शन में चलानी चाहिए जिस डायरेक्शन में नदी हो, अपन ने ये चीज़ देखी। ऑलवेज स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक इज रियली इंपॉर्टेंट टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट, है ना। मैं इसको सबसे पहले क्लियर करता हूँ, मजाक की बात हटा करके। देखो स्ट्रोक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो मान लो सपोज करो आपने यहाँ पर कर दिया शॉट, आपने देखा कि नीचे की तरफ जा रहा है, आपने यहाँ पर कर दिया शॉट, तो ये सबसे गलत बात हुई ना, ये सबसे गलत बात हुई। क्यों? क्योंकि आपने शॉट कर दिया, आपने स्ट्रोक के डायरेक्शन में नहीं गए हो, आप स्ट्रोक के डायरेक्शन में ना जा करके आप स्ट्रोक के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो चांसेस आर हाई दैट यू विल गेट इन फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट में आप फंस सकते हो। अप ट्रेंड लुक फॉर बाय ट्रेड, यानी कि लॉन्ग लेना है, जैसे कि स्टॉक ऊपर की तरफ है तो आप लॉन्ग वाली ट्रेड लो ना यार, बाय करो, बाय करो, ऊपर की तरफ जाए प्रॉफिट लो, जितना ऊपर जाता जाए उतना अच्छा। डाउन ट्रेंड लुक फॉर सेलिंग ट्रेड, यानी कि शॉर्ट करो, यानी कि देखो डाउन ट्रेंड है तो सेलिंग ट्रेड, यानी कि इस पॉइंट पर मान लो आपने कर दिया सेल, है ना, तो शॉर्ट कर दिया अपन ने, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा रहा है स्टॉक, अपन ले रहे बेनिफिट। अब उसके बाद साइड वेज ट्रेंड, तो भैया अभी तो आपको कोई भी ट्रेड इसमें नहीं लेनी है, साइड वेज ट्रेंड में आप कोई भी ट्रेड अभी नहीं लोगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको ग्राफ पे दिखा देता हूँ। सी सपोज करो ये है ग्राफ, एंड आपने स्टॉक जा रहा था ऊपर की तरफ, आपने यहाँ पर कर लिया सेल, तो भैया क्या आप समझदार कहलाओगे? नहीं, समझदार बिल्कुल नहीं कहलाओगे। आपको यहाँ करना चाहिए था बाय, है ना, आपको यहाँ करना चाहिए था बाय, एंड ऊपर तक लेना चाहिए था बेनिफिट, यहाँ करना चाहिए था एग्जिट, ठीक। एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ होना है, ये सारी चीज़ें अपन अभी बाद में और डिटेल में देखने वाले हैं, तो उन पर दिक्कत मत लो, अभी आप सीखो, ठीक है। तो सिंपल चीज़, यहाँ पर आपको करना था शॉर्ट, तो यहाँ पर आपको करना था सेल, ठीक है। मान लो क्या होता अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता, अगर आपने बाय किया होता तो आपका लॉस होता, अगर आप यहाँ पर बाय करते, सी इतना नीचे जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है, एंड आपका पूरा पूरा लॉस होता, ऑलराइट, तो वो कर नहीं करना है। एंड सपोज करो यहाँ पर आपने किया होता, कहाँ पे, इधर पर स्टॉक गया ना, इधर पर गया, आपने सोचा कि यार ये तो डाउन ट्रेंड में हो गया है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्या सेल, नहीं भैया आपने ट्रेंड को देखा ही नहीं, ट्रेंड तो अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में ही रहेगा, इसीलिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में स्टॉक का डायरेक्शन है, जिस तरफ स्टॉक का डायरेक्शन है उसी तरफ ट्रेड लेना है, बेनिफिट लेना है, एंड मजे करने हैं, पैसा आ गया है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली, की पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, बहुत ही जल्दी जल्दी की पॉइंट्स हो जाएंगे, एंड वो वीडियो को अपन कर देंगे फिर फाइनली कंक्लूड। लार्ज टाइम फ्रेम है ना, बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी देर तक रहता है ना, सॉरी, जो लंबा टाइम फ्रेम होता है, एक्चुअली मान लो 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, तो बड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेंड को रखता है ना, उसका ट्रेंड लास्ट लॉन्गर, स्मॉल ट्रेंड्स वोंट लास्ट लॉन्गर, सिंपल सी बात है। देखो आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, स्टॉक के अपन को ट्रेंड को देखना पड़ेगा, अपन को इंडेक्स के ट्रेंड को देखना पड़ेगा, अपन को निफ्टी के इंडेक्स को देखना पड़ेगा, और इन तीनों फैक्टर को जब अपन कंबाइन कर देंगे ना, तो बहुत अच्छी चांस होंगी कि अपन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को ले पाएंगे, है ना। टू इट्स स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ट्रेड, मोर बेनिफिट, पैसा, रोपया, रोकड़ा, बारिश हो रही है, बारिश, तो पैसों की बारिश हो रही है ना, पानी की नहीं। तो देखो कंबाइनिंग ऑल दीज 3 फैक्टर्स, चांसेस आर मोर टू गेट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। तो अपन ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख ली है ना, देखो बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में जब आप कोई भी ट्रेंड को देख रहे हो तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा लंबे समय तक होगी, स्मॉलर ट्रेंड्स यानी कि छोटे ट्रेंड ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होंगे। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इंडेक्स के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और निफ्टी के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करना आना चाहिए, तब आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ऑलराइट दोस्तों, ट्रेंड के वीडियो में इतना ही है ना, तो क्या करना है आपको, आपको अगले 2 से 3 हफ्तों तक, अगले 2 से 3 हफ्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट लेने हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड्स को बनाना है, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वेज ट्रेंड, एंड ट्रेंड लाइंस बनानी है आपको, ठीक है, जोन्स बनाने हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप प्लॉट करोगे एंड मेरे को दिखाओगे, या तो टेलीग्राम पे, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके, या फिर कहाँ पर डीएम करोगे मेरे को, आप कमेंट नीचे कर सकते हो, वहाँ पर आप दिखा सकते हो, एंड जो मेंबर्स है कम्युनिटी वो कम्युनिटी में दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया हो तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। और मैं आपको एक बार ना एक चीज़ और दिखा देता हूँ, एक्चुअली में सी
लंबे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड ज़्यादा लंबे समय तक होता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, जैसे ही मान लेते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, मैंने 1 मिनट पर ही ऑब्जर्व कर लिया, ये तो ग्राफ गुम हो गया भैयू। तो 5 मिनट पे चलते हैं अपन। ऑलराइट, सी मान लेते हैं अगर ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड को ऑब्जर्व किया। ऑलराइट, मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड को ऑब्जर्व किया है एंड मैं यहाँ पर चल देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, तो चांसेस ज़्यादा होंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे, है ना। देखो सिंपल चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये अपन ने ऑब्जर्व किया था। तो देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ऑलराइट, ये ऊपर की तरफ जाने को तैयार है स्टॉक। इसका मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम एंड एक्चुअली मुझे यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, सो मुझे ये स्टॉक मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसलिए। ओके ओके ओके, सही। अपन ने कोई भी पॉइंट पर जब अपन ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो अपन को उसके लार्जर टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा। ऑलराइट, सी ये है ग्राफ 28 का, ठीक। सी 5 मिनट का मैंने ऑब्जर्व किया, ट्रेंड जा रहा है ऊपर की तरफ। 5 मिनट पे मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अगर 1 मिनट पे चलूँगा 28 पे, 31 आ गया ये दिसंबर एंड 28 पे जाना होगा, थोड़ा सा हेडेक का काम। सी ये रहा 28th ऑफ दिसंबर, है ना। तो 28th ऑफ दिसंबर पर मैंने ऑब्जर्व किया कि अप ट्रेंड में है कि नहीं। मैंने ऑब्जर्व किया कि अप ट्रेंड में, तो वही चीज़ 5 मिनट्स की यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट होगी। सी ये अपन ने ऑब्जर्व किया था एंड ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर समय तक लंबी गई है। एंड सी अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो डोंट वरी अबाउट इट, आप जब रियल लाइफ में खुद से करोगे तो अब आपको दिखाई देने लगता है ना। जब आप खुद से करोगे, अभी तो आप ट्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे, जैसे ही आप बनाते जाओगे तो आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी, आपको नज़र आने लगेंगी ये चीज़ें, है ना। देखो जैसे ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो 2 आवर्स में स्टॉक का प्राइस, दिस इज़ अ ट्रेंड, ठीक है। स्टॉक का प्राइस यहाँ गया, ये इसको कनेक्ट किया मैंने, फिर ये लाइन को कनेक्ट किया। सी कितना प्यारे तरीके से इसने सपोर्ट किया, यहाँ गया, यहाँ किया, फिर यहाँ किया, एंड अगर ये यहाँ आएगा तो चांसेस आर हाई कि ये सपोर्ट करेगा फिर से, है ना। अब मैं अगर लोअर टाइम पे जाता हूँ, यानी कि 2 घंटे बाद अगर मैं 1 घंटे पे जाता हूँ, सी तो मेरे को थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिखने लगा कि और लंबे समय तक चल रहा है। अगर मैं और 15 मिनट पर जाता हूँ, सी 15 मिनट पे मुझे पता है स्टॉक कितना भी गिरे, अगर वो इस लेवल पर आया तो चांसेस आर हाई कि वो ऊपर जाएगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ में धीरे धीरे आएगा। ऑलराइट, तो उसकी टेंशन मत लो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। राइट साइड पर अगले वीडियो की लिंक आ रही होगी, क्लिक करो एंड अगले वीडियो पर जाओ। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।